डिनर का वेट कर रहे थे और अभी जो है डिनर आ चुका है और खाएंगे हम लोग। और यहाँ पे जो है कौन बचा हुआ है, गुड्डू भाई बुला लीजिए सबको। यहाँ पे खाना खाने के बाद जो हम लोग को यहाँ से 300 किलोमीटर का राइड करना है। हम तो नहीं करेंगे 300 किलोमीटर, हम तो ढाई सौ चलाएंगे। करना पड़ेगा, हाँ करना पड़ेगा। और फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर वहाँ जाके गाइस देखते क्या प्लानिंग होता है। फिर पैक हो चुका है पूरा पैकिंग और प्रीतम भाई जो है अपाची चलाएंगे और हम जो है ये चलाएंगे अपना प्रणाली। और हारिश भाई जो है जेड एक्स नार, हारिश खान और जॉन्टिस चलाएगा अलीशा और वो राजकुमार भाई, हमजा भाई आगे वो वाला बाइक पर। बिल्कुल गाइस बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम रेडी हो चुके हैं और जस्ट अभी निकलेंगे हम लोग काठमांडू के लिए। तो फिर रास्ता में जो है जो भी वीडियो आता है देखते हैं। ओके चलिए प्रीतम भाई कैसा लग रहा है घूमने में? बहुत बढ़िया लग रहा है ना, एकदम एंजॉय फुल ले रहा है, पूरा एंजॉय एकदम। अभी खाना जो है इतना बजे मिला, अब सीधा 12 बजे मिलेगा। अरे भाई ये खाना खा लिया जम के? खा चुके ना, सीधा 12 बजे तक भी चल। और बाकी सब जो रेडी है निकलते हैं। ओके और काठमांडू रह रहा है तो बता दो उसके घर में आ रहा है। ओके चलिए। तो गाइस हाँ बैठ, तो गाइस बिल्कुल जो है हम लोग रेडी हो चुके हैं एकदम, अब निकला जाए। ओके हुजूर आते चलिए। तो बहुत बहुत थैंक्स यार, बहुत सारा प्यार। ओके बाय। हेलो हेलो। तो यहाँ पे जो है सारा बाइक जो है रेडी हो चुका है और राजकुमार भाई इधर है, प्रीतम भाई इधर है। आज प्रीतम भाई एकदम राइडर बने हुए हैं और हम लोग निकलेंगे सीधा इस तरफ। क्या हुआ? सेटअप बहुत अच्छा है, एक नंबर। तो गाइस हमजा भाई किधर रह गए? तो हमजा भाई भी निकल चुके हैं, अब यहाँ से जो है हम लोग निकल रहे हैं एक साथ में, इस तरफ इंडिया और इस तरफ नेपाल के बीच मतलब काठमांडू। तो ओके ये हारिस भाई जो है इनका नाम है हारिस खान, तो यूट्यूब पे जाके आप चेक करो हारिस खान। ये भाई इंडिया में जो है ना काफ़ी खतरनाक मतलब विली मारते पूरा। तो ये जान लो भाई फेस देख लो, मेरा बाइक ये चला रहे, इनका बाइक जो है जेड एक्स टेनर वो घर पे है। मैं बोला आ जाओ भाई घूमते हैं साथ में। क्या अच्छा हवा? ओके ओके। तो हारिस खान आप यूट्यूब पे जाके जो है आप सब्सक्राइब करें और काफ़ी जो है मत पूछिए। तो भाई का एक चैनल था एच के वन व्हील्स करके, वो चैनल हो चुका है और एक नया जो आईडी है वो खान के नाम से। तो आप गाइस जाए चैनल पे और हारिस खान के नाम से सर्च करके सब्सक्राइब करें और भाई को सपोर्ट करें। तो कैमरा पता है हारिस भाई को वहाँ की कैमरा कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। वेरी गुड। तो भाई आज होने वाला है काफ़ी व्हीली पे व्हीली और भाई मैं व्हीली कैसे मारूं, मेरे पास तो क्रूज बाइक है। तो गाइस बर्दी पास जो आप क्रॉस करके अब सीधा आगे निकला हूँ। हाँ हेलो हेलो। और ये देखो बच्चे लोग का गाइस, हेलो हेलो हेलो। तो भाई थोड़ा ही दूर जो है रोड का मजा आने वाला है, ये देख लो। ओहो भाई आज जो है विली का मजा लेना है BMW और जेड एक्स नार के साथ और अपन को जो है पीछे पीछे रहना है आज, क्योंकि भाई आज मेरे पास जो है TRK है और TRK में पता है गाइस विली नहीं होता है, क्योंकि डबल आदमी सिंगल में हो भी जाता है।
यहाँ पे जो है यूटर्न वाला जो होता है टर्नर जो है बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके हिसाब से जो है और व्यू चेक करो गाइस। अभी जो हम लोग बिल्कुल ठंडा के माहौल में आ चुके हैं उस तरफ, और जस्ट अभी जो है वीडियो जो है रात में जब यहाँ से थोड़ा देर रुकने के बाद नाइट में गया था, उसके बाद आज जो है नेपाल में कॉर्निंग पे बाइक जो बोल रहे थे भाई जेडी भाई कैसे आप बाइक चलाते हो, तो मैं सोचा देखता हूँ चलाकर ट्राई मारता हूँ। तो गाइस मैं जब ट्राई मारा था तो BMW ZX-NR जॉन टेस सबको पीछे छोड़े थे कॉर्नर पे। हाँ बोलिए फिर भाई जी। 3-10 आगे था भाई, जावेद भाई के साथ कोई बोल सकता है क्या? डॉक्टर साहब दूसरा चीज बोल रही है। लीन कॉर्निंग जो होता है वो, तो रात में मैं चलाया था, चेक मारो कैसा है और वीडियो में कमेंट में जरूर लिखो कैसा लगा ये वाला वीडियो। जरूर बताइयो भाई, जरूर बताइयो। Thank you.
था गाइस, क्या ही बताओ। मैं भी जो है टर्निंग जो है भाई नेपाल राइड करते करते जो है ना आदत बन गया। लेकिन एक भाई एक तो बात है कि मैं जो है जब भी मतलब बाइक जब राइड जो करता था ना तो मैं 9 साल की उम्र से, तो होता क्या है ना किसी किसी को एक्सपीरियंस होता है। और अपने भाई के पास मतलब मेरे पास जो है आपके भाई के पास क्या मतलब ये है कि नहीं वो आप बताना कमेंट करके, क्योंकि भैया भाई BMW 1000 उसके पीछे छोड़ाओ, ZX9 उसके पीछे छोड़ाओ, और राजकुमार थापा भाई जॉन्टेस ये गाड़ी वो गाड़ी तो सब था। तो इसीलिए तो आप बताओ बाकी सब बाइक जो है सब ऊपर से आ रहा है और हम जो है इधर से ऐसे ऐसे करके फिर निकल रहे हैं। तो गाइस काफ़ी मज़ा आया, क्या ही बताओ मज़ा आ गया गाइस आज बाइक चलाने में। और आप तो वीडियो तो काफ़ी लंबा हो चुका है तो गाइस अभी जस्ट हम पहुंचे हैं काठमांडू, और काफी चलने के बाद बहुत दूर के बाद जो है बहुत चलने के बाद अब जो है फाइनल जो है अब जो है फाइनल जाके जो है अब रूम मिल चुका है, और अब जो है मतलब अच्छा से फिर इधर रहने के बाद इसी रूम में रुके थे हम लोग इसी रूम में। अच्छा देखिए रूम कुछ ऐसा है, ऐसा वाला ट्रेन का बोगी वाला है ना, तो ऐसे चढ़ के ऐसे जाएंगे गाइस। काफी सुंदर रूम है भाई ये, और यहाँ पे जो है ब्लॉग करते हैं। बाय बाय।